नमस्ते, हेलो। आज आपके साथ मैं एक नया प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। बट ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के पहले चलिए आपको साइंटिस्ट बना देते हैं आज। अच्छा, ऐसे तो सुना हुआ होगा बोलते हुए कि मेरा गट फीलिंग है ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलेगा, या फिर ऐसे भी सुने हुए हैं कि आपका गट्स है कि आप ये बोल सकते हो, तेरा गट्स है तू ये बोल सकता है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है ऐसे क्यों नहीं बोलते कि मेरा ब्रेन का फीलिंग है कि ये प्रोडक्ट बहुत चलेगा, या फिर ऐसे बोल सकता है मेरे दिल में बहुत दम है कि मैं फाइट कर सकता, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। वाई गट्स? क्योंकि हमारा गट्स जो है, गट्स मतलब लोअर GI, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लोअर पार्ट, उसको गट बोलते हैं। उसमें रहने वाला बैक्टीरिया डिपेंड करता है आपका बोलने का, आपका चलने का, आपका खाने का, डाइजेशंस का, या ये तक नहीं, आपका स्मेल, आपका बॉडी का स्मेल, आप कौन सा फूड पसंद करोगे, इवन आपका थिंकिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस बैक्टीरियास। बैक्टीरिया के बारे में बोलने से मुझे एक चीज याद आ गया। डॉक्टर शाई करके हैं टोरंटो कनाडा में, वो बैक्टीरिया के बारे में एक आंकड़ा देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी है, एक 30 साल का व्यक्ति का जिनका हाइट है 5 फुट 5 इंच, 5.5 फुट, 5 फुट 6 इंच, 5.5 फुट का और 70 किलोग्राम वेट, इनके अंदर कितना सेल होगा आप देख सकते हो इंटरनेट में भी। इनका जो है 30 लाख करोड़ एवरेज सेल होता है। अब इनमें बैक्टीरिया कितना हो सकता है? इनका बैक्टीरिया जो है वो है 39 लाख करोड़ एवरेज में, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। इसका मतलब आपका बॉडी का बैक्टीरिया और आपका सेल का जो नंबर है सेम है ऑलमोस्ट, या फिर ज्यादा है। मगर ये बैक्टीरिया सिर्फ जो है अच्छे या बुरे में डिवाइडेड होता है। ये सिर्फ जो है बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसका दो कैटेगरी रहता है, जैसे कि मैंने बताया, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया। आपका गट्स में अच्छे बैक्टीरिया अगर रहा तो आपका कैरेक्टर डिफरेंट होगा, अगर बुरा रहा तो क्या क्या हो सकता है, आप टॉयलेट में जाओगे और आधा घंटे के पहले वापस नहीं आ सकते हो। अगर आपका GI ट्रैक्ट में बुरा बैक्टीरिया ज्यादा रहा, इसमें से आपका हमेशा सर्दी लग सकता है, बारिश हुआ बाहर इधर नाक से भी बारिश शुरू हो गया। सिर्फ ये नहीं, आपका मेंटल हेल्थ, हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कुछ में कुछ दिल नहीं लगता है, करने का मन नहीं है, अच्छा बैक्टीरिया कम है। ये सिर्फ नहीं, आपका बदहजमी होता है, पता नहीं क्या हो गया है, डॉक्टर नॉर्मल खाना खाते हैं आप फिर भी ऐसा है, और भी देते हैं, आपका हार्ट पता नहीं क्यों सही तरीके से धड़कता नहीं, पेट बड़ा हो रहा है, खाना सेम है, इतने सारे चीज जो है आपके बुरे बैक्टीरिया ज्यादा होने से होता है। और इनका ऑपोजिट, अगर अच्छे बैक्टीरिया रहता है तो आप टॉयलेट में जाओगे और 2 मिनट में वापस आओगे, आपका हर दिन टॉयलेट जाना पड़ता है, सुबह उठने के साथ नॉक करना पड़ता है, कौन है जल्दी निकलो, आपका डाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है, मेंटल हेल्थ हमेशा खुश, आपको इजीली कोल्ड नहीं लगता है, सर्दी इजीली नहीं होता है। सिर्फ ये नहीं है, आपको डॉक्टर जब एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन करता है, पकड़ो आपको कोई डिजीज हो गया है, सीवियर डिजीज, आपको एंटीबायोटिक, 3 दिन का एंटीबायोटिक होता है, 5 दिन का एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, वो कोर्स तो आप जरूर पूरा कीजिएगा, उसके बाद आपको ये बोलते हैं कि आपको प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा। ये प्रोबायोटिक क्यों देते हैं? वो प्रोबायोटिक इसीलिए देते हैं कि आपका एंटीबायोटिक नीचे का जो GI ट्रैक्ट का नीचे का पोर्शन है वो
किल कर देता है, अच्छे बैक्टीरिया सब मर जाते हैं, तो फिर कैसे करके होगा? कैसे करके आपको वो पहला वर्जन में लेके जाने के लिए आपको प्रोबायोटिक दिया जाता है? कोई कोई ऐसा भी तो बोल सकता है कि दही में तो बहुत प्रोबायोटिक है, क्या बोल रहे हो आप, दही में है? आपको जान के खुशी या दुख पता नहीं, आपको जान के हैरानी होगा कि दही में, कर्ड में टू डिफरेंट मेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलियस। ये दोनों किस्म का जो बैक्टीरिया है वो पहले जाता है स्टोमक में, और स्टोमक में जाने के बाद हमारा पीएच होता है 1.5 से 2 पीएच होता है, मतलब एसिड होता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं, देहांत हो जाता है उनका, पहुँच नहीं पाते हैं जीआई ट्रैक तक, लोअर। जैसे आपको पता है महाभारत का, मुझे याद आ गया, पैदल चल के युधिष्ठिर जो है स्वर्ग में पहुंचे थे, बाकी सब नहीं पहुंच पाए। तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए अच्छा बनना है, अच्छे बैक्टीरिया रहना बहुत जरूरी है, और वो हमारे एटोमिका न्यूट्रासिटिकल मिक्स में पाया जाता है। आपको जान के हैरानी होगा कि हमारे प्रोडक्ट जो न्यूट्रासिटिकल मिक्स कोरिया में प्रोबायोटिक मिक्स होता है, इसमें 14 डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन मिक्स हुआ है। इस 14 के अंदर 3 डिफरेंट का प्रीबायोटिक्स भी होता है। प्रीबायोटिक्स क्या होता है मैं आपको बाद में बताता हूं, उसके पहले ये डॉर्मेंट प्रोबायोटिक्स होने के वजह से, ड्राई होने के वजह से हमारे यहाँ का एसिड उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, और वो अंत तक पहुंचता है और वहां पे अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करता है। उस अच्छे बैक्टीरिया ग्रो होने से ही आपका फुर्ती आता है मन में, आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपका हेल्थ जो है बेटर रहता है, आपका डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत सारे गुण हैं जो आपका अच्छे बैक्टीरिया लेने से हो सकता है, जो कि एटोमी का प्रोबायोटिक मिक्स है। सिर्फ ये नहीं है, कुछ ऐड आते थे पहले टीवी में, मैं इतना बड़ा बॉटल आता है, कुछ एक्ट्रेस ऐड करती थी और ऐसे करके पी जाते थे, लो ये बोलती थी, वो बहुत मीठा मीठा होता है, बोलते थे लो प्रोबायोटिक्स है इसमें, उसमें 2 चम्मच चीनी है, उसका कैलोरी जो है 50 कैलोरीज है, 2 चम्मच चीनी, वो चीनी पानी है, आपको मैं सही तरीके से बताऊं, और 14 डिफरेंट स्ट्रेन आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ ये नहीं है, इसका फ्लेवर को अच्छा इंडियन टेस्ट के साथ मैच करने के लिए इसमें मुलेटी, मतलब लिकोराइस, कुछ जगह में जोस्टी मधु बोलते हैं, इसको मिक्स किया गया, इसका एक्सट्रैक्ट मिक्स है, और स्ट्रॉबेरी, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, रास्पबेरी, प्रून, जिंजर भी है। तो आप टेस्ट करोगे तो इसमें से बहुत ही मजा आएगा और काम भी सही तरीके से होगा। आपको अब बताता हूं प्रीबायोटिक्स क्या होता है। प्रीबायोटिक्स जो होता है आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट को जल्दी से प्रोसेस करता है। सिर्फ ये नहीं, जो प्रोबायोटिक 11 डिफरेंट स्ट्रेन्स है उसको बाहर तक, यहां तक, नीचे जीआई ट्रैक्ट का लोअर पोर्शन तक जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। आपको अगर बेहतर बनना है, आपके बॉडी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, इम्यून बनाना है, आपको अगर टॉयलेट भी जल्दी से खत्म करना है, सो प्रोबायोटिक्स मतलब हमारा न्यूट्रासिटिकल मिक्स इज अ मस्ट है। और मैं आपको दिखाता हूं कितना इजी है यूज करने में। ये है हमारा न्यूट्रासिटिकल मिक्स एटॉमिक, और कितना इजी है निकालने के लिए, यहाँ से आप ऐसी करके निकाल सकते हैं, और लेने में भी बहुत इजी है। आप ये देखो कितना इजी, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, इसको ऐसे फाड़ा और आप जो है ले लिया, बहुत इजी है। तो आप तो आपको पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है। देखिए इतने गुणवत्ता प्रोडक्ट का तो प्राइस 100 रुपया पर पैक होना चाहिए, बट ये 100 रुपया नहीं है,
पर सेसे जो है 75 रुपये का आता है एज ए एम आर पी। सो 60 पैक का कॉस्ट है 4,500 रुपीज़। सो 4,500 रुपीज़ एम आर पी है और पी वी है 22,000, 22,000 PV। जैसे कि आपको पहले ही बताया, इतने सारे गुणवत्ता होने वाला प्रोडक्ट आपको सिर्फ 75 रुपया में, एम आर पी 75 रुपया में मिल रहा है। ऑफकोर्स डीलर प्राइस विल बी लेस। सो वेट ना कीजिए, आज ही से ये प्रोडक्ट हमारे एटोमी इंडिया का जो मॉल है उसमें अवेलेबल है और आपका बॉडी का इम्यूनिटी, डाइजेशन, जितने सारे इतना प्रॉब्लम आप जो फेस मैंने बताया वो प्रॉब्लम ओवरकम करके एक हेल्दी लाइफ आप जी सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। नमस्ते।